वीडियो डिस्क्लेमर, दिस वीडियो इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस, सो प्लीज डोंट टेक सीरियसली। हेलो गाइज, मेरा नाम है मानव और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल आरसी मैशअप में। गाइज, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एक कमाल के मैशअप रिएक्शन को। अगर आपको ये मैशअप रिएक्शन की वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, थैंक यू। तो गाइज, आगे की बात हम वीडियो खत्म होने की बात करते हैं, तो चलिए इस कमाल के मैशअप रिएक्शन की वीडियो की शुरुआत करते हैं। Hope you will enjoy. ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। यार, बना भी लिए तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर मतलब उसको छोड़ने की हिम्मत करे। और दूसरी बार भाई, पहली बार तो 100% नामुमकिन। मैं हैरान किस चीज पे हूँ भाई, बांग्लादेश तुझे जरूरत क्या है, तो जबरदस्ती क्यों दुश्मनी ले रहा है? दुश्मनी ले तेरी, म्यांमार अपने गमों में डूबा हुआ है, उसके अपने आर्थिक लड़ाइयां लगी हुई है। भारत तुझे अपने एक मतलब एक एलाय समझता है, एक दोस्त समझता है, मुश्किल वक्त में तेरी मदद करता है, तुझे जरूरत क्या है भाई? की खबर नहीं सुनी है? हाँ, वो कह पाकिस्तान से जुड़ी हुई देखता है। इस उद्देश्य से उसकी नजदीकी आज इस कदर बढ़ गई है कि दोनों मिलकर एक साथ न्यूक्लियर प्रोजेक्ट भी बना रहे हैं। लेकिन वो ऐसा कर कैसे रहे हैं? जब भारत ने न्यूक्लियर वेपन बनाया था तब तो पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी इसे क्रिटिसाइज करने लगी थी। तो फिर क्या किसी दो देशों के लिए न्यूक्लियर वेपन बनाना इतना ईजी है? आखिर भारत कैसे इसे पूरी तरह रोक सकता है? और क्या सच में आने वाले कुछ सालों में बांग्लादेश पाकिस्तान से वापस जुड़कर भारत के लिए सबसे बड़ा सरदर्द बन सकता है? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब आज की इस वीडियो। देखिए, 70 के दशक में बांग्लादेश लड़ झगड़ कर पाकिस्तान से अलग हुआ था। तब जिस तरह से इस देश ने लाखों लोगों को खोया था और सालों तक ईस्ट पाकिस्तान का सप्रेशन झेला था, उससे बांग्लादेश के हर एक सिटीजन ने कसम खाई थी कि चाहे जो हो जाए लेकिन कभी पाकिस्तान की तरफ दोबारा मुड़कर नहीं देखेंगे। दुश्मनी और खटास तब दोनों देशों में इस कदर की थी कि लगता नहीं था कि कभी दोनों देशों में भी कभी बातचीत होगी। लेकिन नाउ कट टू प्रेजेंट, तो शेख हसीना सरकार के जाने के बाद यही देश पाकिस्तान को अपना दोस्त बनाने की बात कर रहा है। बात तो दोनों देशों के बीच न्यूक्लियर वेपन बनाने तक जा पहुंची है, और खुद ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर शाहिद उज्जमा बयान दे रहे हैं कि ढाका को इस्लामाबाद से परमाणु संधि कर लेनी चाहिए। लेकिन जितना इजी ये दिखता है उतना है नहीं। देखिए, आज भी हम दुनिया में केवल 7 से 8 देश हैं जिनके पास ये पावर है, और ऐसा नहीं है कि केवल यही देश इस हथियार को बनाने का पैसा और पावर रखते हैं, बल्कि इनके अलावा दुनिया में कई दूसरे देश भी हैं जो काफी शक्तिशाली और डेवलप्ड हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके पास न्यूक्लियर ताकत नहीं है। इसमें सबसे पहले तो जर्मनी, दक्षिण कोरिया और जापान जैसे देशों का नाम आता है। अच्छी खासी तकनीक के बाद भी इन्होंने परमाणु हथियार बनाने से दूरी बनाए रखी है। इसके पीछे वो है ट्रीटी, जो इन्हें भरोसा दिलाती है कि अगर कोई भी देश किसी भी सूरत में उन पर न्यूक्लियर हमला करता है तो न्यूक्लियर पावर्ड यानी अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चाइना जैसे देश उन्हें बचाएंगे। और अगर ये किसी देश के खिलाफ नॉन न्यूक्लियर वेपन देश के खिलाफ लड़ते हैं तो उस पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इस ट्रीटी को नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी कहते हैं। 50 के दशक में जब नॉर्थ और साउथ कोरिया में फसाद शुरू हुआ तब अमेरिका और यूएन ने सैन्य हस्तक्षेप कर साउथ कोरिया की मदद की। ये सहायता इसी संधि के तहत हुई थी। दक्षिण कोरिया के पास अब भी परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन वो निश्चिंत है कि खतरे की स्थिति में अमेरिका से उसे मदद मिलेगी। इसी तरह से जर्मनी भी एनटीपी का हिस्सा है। परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने के लिए हुई ये ट्रीटी परमाणु और गैर परमाणु शक्तियों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश है। इसके तहत केवल अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, चीन और फ्रांस को परमाणु हथियार रखने की इजाजत है। बता दें कि ये वो देश है जो ट्रीटी से पहले न्यूक्लियर टेस्ट कर चुके थे। अब इन सब में अगर आप सोच रहे हैं कि बांग्लादेश कहां आता है और बांग्लादेश का इससे क्या लेना देना, तो दरअसल ये जो सारी ट्रीटी है इसमें दुनिया के छोटे बड़े कई देश शामिल है, और बांग्लादेश भी उन देशों में से एक है। यानी बांग्लादेश को भी न्यूक्लियर वेपन अटैक की स्थिति में प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वो खुद किसी भी हाल में वेपन नहीं बना सकता, खासकर तब तक तो बिल्कुल नहीं जब तक वो इससे बाहर नहीं निकल आता। मतलब वेपन तभी बनाया जा सकता है जब आप इस ट्रीटी से बाहर निकल आए।
और ऐसा कई देश कर भी चुके हैं। इस तरह के देश संधि से बाहर रहते हुए चुपके चुपके काम शुरू करते हैं और ताकत हासिल कर लेते हैं। दरअसल एनपीटी एजेंसी केवल उन्हीं देशों की मॉनिटरिंग कर सकती है जो उसके दायरे में है। दूसरे देशों में वो तब तक दखल नहीं दे सकती जब तक कि न्यूक्लियर टेस्टिंग के सबूत ना मिल जाए। जब तक ऐसा होता है तब तक देश परमाणु शक्ति पा चुका होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है साहब कि ये हथियार बनाना आसान है, बल्कि इस संधि से बाहर आना अपने आप में ही खतरनाक है। इसके बाद उस पर कई आर्थिक व्यापारिक पाबंदियां लग सकती हैं। बांग्लादेश अभी जिस स्थिति में है उसमें ये उसके लिए मुसीबत भी ला सकता है। अभी तो पहले ही उस पर भारत के साथ साथ कई देशों का करोड़ों का कर्जा है। ऊपर से संधि का सदस्य होने की वजह से उसे किसी ऐसे देश से मदद लेने पर भी रोक है जो एनटीपी में शामिल नहीं है। इधर चूंकि यार बना भी लिए तो बांग्लादेश की इतनी औकात नहीं है कि वो भारत के ऊपर मतलब उसको छोड़ने की हिम्मत करे। और दूसरी बार भाई पहली बार तो 100% नामुमकिन। मैं हैरान किस चीज क्यों भाई बांग्लादेश तुझे जरूरत क्या है, तो जबरदस्ती क्यों दुश्मनी ले रहा है? तेरी म्यांमार अपने गमों में डूबा हुआ है, उसके अपने आर्थिक लड़ाइयां लगी हुई है। भारत तुझे अपने एक मतलब एक एलाय समझता है, एक दोस्त समझता है, मुश्किल वक्त में तेरी मदद करना, तुझे जरूरत क्या है भाई? खबर नहीं सुनी ये मतलब शोषित छोड़ देती है साथ में रगड़ा पाकिस्तान जाते हैं के लोगों को पाकिस्तान बना रहा है, पाकिस्तान की दुश्मनी है। इंडिया बना रहा है, इंडिया की दुश्मनी है। चाइना बना रहा है, चाइना की दुश्मनी है। अमेरिका बना रहा है, उसकी दुश्मनी है। उनको चलो समझ आती है, बांग्लादेश क्यों बना रहा है, क्यों जरूरत पड़ी, तू क्यों बना रहा है, और तू भारत को क्यों खतरा समझते? भारत ही नहीं, इंडिया जब खतरा बना ना तो तू बच गए, बातें करते रह जाओगे खत्म। और भाई जो थोड़ा बहुत चले थे वो सारा लगता डुबाना चाहता है खुद को। इंडिया के पास सिर्फ इंडिया की नेवी जो है ना वो पूरे बांग्लादेश को तबाह कर सिर्फ नेवी। तो आप गाइज आपको यह मैसअप रिएक्शन का वीडियो कैसा लगा, अपने थॉट को नीचे वीडियो के कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो थैंक